फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑफ यूर अदर वीडियो। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में सिखाते हैं, ये आपका थर्ड पार्ट है। अगर आप फ्रेशर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, तो आपको मटेरियल कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर आप घर बनवा रहे हैं या फिर आप किसी साइड पे काम करवाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको मटेरियल क्वांटिटी निकालनी आनी चाहिए। आपसे सीनियर पूछ सकता है या फिर आपका आपको खुद की क्वांटिटी भी निकालनी आनी चाहिए। तो पिछली वीडियो में सिखाया था कि 1.58 सीमेंट सैंड एग्रीगेट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, या फिर किसी कॉलम में या फिर किसी स्लैब में। अगर आपके पास वॉल्यूम आ गई, आपकी कॉलम वॉल्यूम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो मैंने निकाला था 1 क्यूबिक मीटर में, तो टोटल वॉल्यूम आप उस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास 1 मीटर क्यूब में इतना सीमेंट लगता है, आपने निकाली कॉलम की वॉल्यूम, तो गुना कर लेंगे सैंड वो नंबर ऑफ बैग्स थे, तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ क्वान्टिटी निकाल कर आ जाती है। तो आपके पास लेकर पिछले उसके बाद सिखाया था मैं आपको सीमेंट एंड सैंड, प्लास्टर में आपको कितना सीमेंट लगता है, कितना सैंड लगता है। तो आज इस वीडियो में सीखते हैं, आपके कोई ब्लॉक वॉल मेजनरी है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ ब्लॉक लगेंगे, कितने नंबर ऑफ सैंड लगेगा, कितना और कितना आपका बैग्स लगेंगे सीमेंट के। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। सपोज़ कीजिए आपकी कोई वॉल है, इसका जो वॉल का लेंथ ब्रेथ है 10 मीटर बाय 10 मीटर की, एरिया क्या बना आपका 100 मीटर स्क्वेयर, ठीक है। और जो इसकी थिकनेस है, वो जो आपके पास ब्लॉक है, ब्लॉक का जो साइज है 400 डिवाइड बाई 200 डिवाइड बाई 200, लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस, ये ब्लॉक की डायमेंशन है। ये ब्लॉक की डायमेंशन इसलिए लिया है, ये आप ब्लॉक ले सकते हैं या फिर आप ब्रिक ले सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप एसी ब्लॉक ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये, तो बस सिंपल एक मेथड है ब्लॉक की क्वांटिटी निकालने का, ब्रिक की क्वांटिटी निकालने का, एसी ब्लॉक की क्वांटिटी निकालने के लिए एक वॉल के अंदर। तो ठीक है, तो इस तरह से आप एक एसी ब्लॉक क्वांटिटी निकाल सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टेप वन, सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ वॉल। एरिया ऑफ वॉल हमारे पास क्या बना 100 मीटर स्क्वेयर, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ वॉल के क्या है 0.20 मीटर। 0.20 थिकनेस ऑफ वॉल की किस ले लिए, बिकॉज ब्लॉक का जो थिकनेस है वह 200 मिलीमीटर है। कन्वर्ट करना है मीटर में तो आपके पास 0.20 मीटर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं थिकनेस ऑफ मोटर। थिकनेस ऑफ मोटर ऑलवेज स्टैंडर्ड थिकनेस होती है 10 mm, 12 mm ब्लॉक के अंदर या फिर ब्रिक मेजरिंग के अंदर, ठीक है। रेशियो देखते हैं 1:6, ये 1:6 की आपके पास सीमेंट एंड सैंड का मिक्सिंग है मोटर। वॉल्यूम निकाल लेते हैं ब्रिक मेजरिंग की वॉल्यूम, तो एरिया ऑफ वॉल डिवाइड बाई थिकनेस ऑफ वॉल, तो दोनों गुना कर देते हैं तो वॉल्यूम आ जाती है आपके पास 20 मीटर क्यूब। अब देखते हैं स्टेप नंबर वन, नंबर्स ऑफ ब्लॉक रिक्वायर्ड। अब हमें देखना है कि इसमें कितने नंबर्स ऑफ ब्लॉक लगेंगे आपके वॉल के अंदर। आपके पास है वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोटर। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोटर आप निकाल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा नंबर्स ऑफ ब्लॉक। तो विद मोटर कैसे निकालेंगे, 0.41 या 0.41 कैसे लिया, जैसे आप देख रहे हैं कि वॉल के अंदर लंबाई आपकी बढ़ रही है और थिकनेस आपकी बढ़ रही है। मोटर आपके पास फ्रंट एंड साइड में यूज हो रहा है, बट आपके पास थिकनेस में यूज नहीं हो रहा है। मोटर आपने यहाँ पे यूज़ किया इधर साइड में, इधर आपने साइड में यूज़ किया और टॉप पे यूज़ किया, बॉटम में यूज किया, क्लियर। तो 5 mm का मार्जन हो गया ना। तो अगर आप इसको भी इसका मोटर का 5-5 mm लेते हैं तो 5 और 5 10 mm हो जाता है। बट इस फेस में आपका मोटर कोई भी यूज़ नहीं हो रहा है, आपके सामने फ्रंट पे इधर फ्रंट या बैक साइड में कोई भी मोटर आपका यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो थिकनेस आपकी नहीं बढ़ेगी। तो 0.41 क्या हुआ, प्लस आपका कर दिया थिकनेस 10 mm की मोटर की ब्लॉक के साइज में। तो 0.21 क्या है, ये भी थिकनेस, ये आपकी थिकनेस में, ये आपकी लेंथ में इंक्रीज हुआ इन थिकनेस में मोटर के साथ में, तो इसी वजह से आपके नंबर से ब्लॉक निकल आएंगे। और ये देखते हैं विड्थ, विड्थ चौड़ाई, ये चौड़ाई हमने एज इट इज लिए बिकॉज आपकी चौड़ाई में कोई भी मोटर यूज नहीं हो रहा है, तो इसलिए एज इट इज लेंगे। तो इन तीनों को गुना कर देते हैं और डिवाइड बाई कर देते हैं 20 से, आपके पास आ जाते हैं नंबर्स ऑफ ब्लॉक की क्वांटिटी, तो 1161.40। अगर इसको हम पॉइंट जीरो इसको हटा देते हैं पॉइंट, तो 1162 नंबर्स ऑफ ब्लॉक आ जाते हैं। उसके बाद देखते हैं वॉल्यूम ऑफ मोटर। वॉल्यूम ऑफ मोटर कैसे आएगा, अगर आपके पास है टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल की माइनस कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक्स की, तो 0.40 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस और इंटू नंबर ऑफ ब्लॉक, तो कितने ब्लॉक्स लगे और एक ब्लॉक की वॉल्यूम क्या है, तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगी आपके पास ब्लॉक की।
ब्लॉक की वॉल्यूम आप टोटल वॉल्यूम में से वाल के वॉल्यूम में से घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ मोर्टार, तो 1.42 मीटर क्यूब। तो 1.42 मीटर क्यूब आ जाती है वॉल्यूम ऑफ मोर्टार, ये क्या आपके पास वेट मोर्टार। चलिए तो वेट वॉल्यूम ऑफ मोर्टार क्या है आपके पास, आपको निकालना है ड्राई वॉल्यूम। तो 1.42 प्लस 1.42 इंटू 33.100, तो आपके पास आ जाता है टोटल तो 1.89 मीटर क्यूब आ जाता है। ये आपके पास मोटर आपके पास क्या हुआ, ये वेट मोटर है, आपको निकालना है ड्राई वॉल्यूम। तो कितना होगा 1.42 इंटू 33%, ये क्या 33% ऑलवेज इंक्रीज होता है बल्क डेंसिटी ऑफ मोटर में के अंदर सेंड किया, ठीक है। तो 1.89 ये क्या हुआ ड्राई वॉल्यूम, ये आपके पास ड्राई वॉल्यूम आ गई। इसके अंदर क्या है सीमेंट एंड सैंड मिक्स है, सीमेंट एंड सैंड क्या ये मिक्स, क्लियर। अब हमें सीमेंट को अलग करना है, सैंड को अलग करना है, रेशियो आपके पास है तो सिंपल आप कर लेंगे। तो आपको पता है 1 मीटर क्यूब के लिए होता है 1.33 मीटर क्यूब, बिकॉज 33% इसके ऐड हुआ तो 1.33 मीटर क्यूब करते हैं। अगर आप करेंगे 1.42, ये आपके पास है वेट मोटर, और ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो 1.33 से गुना कर देंगे तो दोनों को क्या आ जाएगा 1.89 मीटर क्यूब, ये आपके पास ड्राई वॉल्यूम। अब देखते हैं स्टेप्स, स्टेप नंबर फोर क्या कहलाता है। अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ वन पार्ट, वॉल्यूम ऑफ वन पार्ट के किस में निकालेंगे सीमेंट एंड सैंड के अंदर। तो टोटल वॉल्यूम आपके पास मोटर का और सम ऑफ रेशियो है आपके पास, तो 1.89 क्या है वॉल्यूम ऑफ मोटर डिवाइड बाई कर देंगे सम ऑफ रेशियो, तो वन पार्ट की वॉल्यूम निकल के आ जाएगी आपके पास, वन पार्ट की वॉल्यूम। अब करना है सीमेंट, तो सीमेंट को वन करने के लिए 0.27 वन पार्ट है इसको, ये क्या वन पार्ट, तो इससे से गुना कर देंगे क्या आएगा वॉल्यूम 0.27 मीटर क्यूब, क्लियर 2.27 मीटर क्यूब आपकी। अगर आपको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब से बैक्स में तो 0.27 इंटू 28.8, ये 28.8 क्या आपके पास है 1 मीटर क्यूब में होते हैं इतने नंबर ऑफ बैक्स, क्लियर। तो ये आपके पास है मीटर क्यूब की वॉल्यूम, इन दोनों गुना कर देते हैं तो 7.77 नंबर ऑफ बैक्स आते हैं, तो 77 पॉइंट में है तो फिर 8 नंबर ऑफ बैग्स, क्लियर। अब देखते हैं सैंड, तो 0.27 क्या है ये आपके पास वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, और पार्ट ऑफ सैंड कितने लगे थे आपके सिक्स्थ पार्ट लगे थे, तो इन दोनों को गुना कर देते हैं 1.62 मीटर क्यूब आ जाती है वॉल्यूम। अब हमारे पास है 1.62 मीटर क्यूब, 1.62 मीटर क्यूब क्या है सैंड की वॉल्यूम, अगर इसको इसको गुना कर लेते हैं तो 57.21 क्यूबिक फीट क्वांटिटी आएगी, या फिर 58 CFT रिक्वायरमेंट, क्लियर। एग्जांपल देख लेते हैं, अब एग्जांपल अगर आपके पास वाल का एरिया है 100 फीट स्क्वायर, 10 फीट बाय 10 फीट का आपके पास वाल का एरिया है आपको पता है, तो 100 × 1/10.76 आपको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। मैंने इसलिए किया आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर में होता है 10.76, आपको कन्वर्ट करना है फीट में, ये क्या है फीट स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 फीट स्क्वायर बराबर होगा 1/10.76, सिंपल मेथड करने के लिए। तो ठीक है, तो इससे इसको गुना करेंगे तो अब गुना करेंगे इसमें तो आ जाएगा 9.29 मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं सीमेंट की, अब सीमेंट की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। आपके पास है एरिया ऑफ वॉल डिवाइड बाय 100 किस लिए किया, बिकॉज हमने निकाला था 100 मीटर स्क्वायर के लिए इतने बैग्स, आपके पास है इतने वॉल्यूम, तो इससे से गुना कर देंगे तो 0.74 नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे, क्लियर। सैंड का देखते हैं, सैंड की आपके पास है 9.29 डिवाइड बाई 100, ये आपके पास आ जाता है 1 मीटर स्क्वायर के लिए, आपके पास 100 मीटर स्क्वायर है तो इससे भाग कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 57.21। अगर 1 मीटर क्यूब के लिए इतना वॉल्यूम होती है तो 57.21 के लिए होगा, बिकॉज आपके पास सैंड की क्या है क्यूबिक फीट, तो आपके पास सैंड की क्यूबिक फीट है तो सिंपल 5.31 क्यूबिक फीट की वॉल्यूम आ जाएगी सैंड का। आपको पता होना चाहिए कि 100 मीटर स्क्वायर में कितना सैंड कितना रेत लगता है कितना बैग सीमेंट लगता है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो सीमेंट आपके पास 100 मीटर स्क्वायर में लगता है 8 बैग्स, और 100
मीटर स्क्वायर में लगता है 57.21 बैग, 21 क्यूबिक फीट। तो सिंपल 9.29 की निकालेंगे, जैसे कि 9.29 डिवाइड अगर हम निकाले थे 1 मीटर क्यूब के लिए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए, तो डिवाइड बाई 100, ये आपके आपके आ जाएगा इंटू 57.29, ये क्या आ जाएगा 1 के लिए, 1 के लिए जो भी आएगा आपके पास आएगा, इसको इसको गुना करने पर कैलकुलेशन आएगा, जो भी आएगा गुना कर देंगे सिंपल 9.29 से, 9.29 से गुना कर देंगे तो वही आएगा। क्लियर? तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे।